तो दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मासातों, मारोटो, भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? एक दो रह गए तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आज के टाइम पे लोग किस चीज को रेस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, तो वो है दो चीजें मेरे हिसाब से, पैसा और पावर। वैसे यार, जस्ट ये मेरा ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकता है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे दोस्तों, आज मैं इन्हीं पैसे और पावर में से पावर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में। अब सालों ये मत कहना कमेंट में कि मोस्ट पे इतना पावर क्यों लगा है, सालों वीडियो ही पावर पे, इसी वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया दुनिया के ताकतवर मुल्कों में आता है। इस कंट्री के पास 871 एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ है और 190 नवल स्ट्रेंथ है। दोस्तों, दिन ब दिन ये मुल्क ताकतवर होता जा रहा है। वैसे साउथ कोरिया की अगर डिफेंस बजट की बात करूं तो तकरीबन 36 बिलियन US डॉलर से स्पेंड करता है अपने डिफेंस पे। 9वें नंबर पे आता है इटली। इटली जिसको लॉन्ग शू भी कहते हैं। वैसे अगर मुझसे पूछोगे कि शू क्यों कहते हैं, अगर मुझसे उंगल करोगे तो सालों जूता फेंक के मारूंगा। शाबाश। वैसे यूरोप में 179 नवल स्ट्रेंथ के साथ दुनिया का नवा ताकतवर तरीन मुल्क माना जाता है। वैसे हाँ, ये 30 बिलियन US डॉलर्स की डिफेंस बजट स्पेंड करता है अपने डिफेंस पे। 8वें नंबर पे आता है इसराइल। बाय द वे, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप जानते होंगे कि आप पाकिस्तान के वीजा पे पूरी दुनिया घूम सकते हो सिवाय इसराइल के, क्योंकि वो मना है, बस शर्त यह है कि पैसे होने चाहिए। वैसे दोस्तों, ये मुल्क अपने जीडीपी का 4.6% अपने डिफेंस पे खर्चता है और जो के बनते हैं तकरीबन 22.6 बिलियन US डॉलर्स। वैसे तो ये पिद्दी सा मुल्क है, लेकिन ये है बहुत ही अपग्रेडेड और पावरफुल। 7वें नंबर पे आता है जापान। दोस्तों, रिसेंटली जापान वर्ल्ड के मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज में भी आता है। इस मुल्क की मिलिट्री पावर काफी अच्छी है और हाँ, एक बात, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का सेक्टर भी जापान में पाया जाता है। 6वें नंबर पे आता है फ्रांस। दोस्तों, 0.6163 पावर इंडेक्स और 180 नवल स्ट्रेंथ के साथ ये दुनिया का छठा पावरफुल मुल्क माना जाता है। वैसे फ्रांस 53.6 बिलियन US डॉलर्स अपने डिफेंस की बजट देता है, वो भी हर साल। 5वें नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम / ब्रिटेन। दोस्तों, वर्ल्ड का 5वां पावरफुल कंट्री होने के साथ साथ ये दुनिया का 22वां पॉपुलस कंट्री भी है। वैसे ये कंट्री 45 बिलियन US डॉलर्स अपने डिफेंस पे स्पेंड करता है और ये स्टडीज के मामले में भी दुनिया में टॉप पे आता है। 4वें नंबर पे आता है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी दुनिया का 4th पावरफुल मुल्क है, जिसके पास 0.6491 की पावर इंडेक्स और 67 की नवल स्ट्रेंथ भी है। जर्मनी हर साल 48 बिलियन US डॉलर्स खर्चता है अपने डिफेंस पे। वैसे इसकी इकोनॉमी दुनिया की 4th बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। 30वें नंबर पे आता है चाइना, हमारा पड़ोसी मुल्क। दोस्तों, ये दुनिया का 3रा पावरफुल कंट्री है। ये कंट्री 129 बिलियन US डॉलर्स की बजट अपने डिफेंस को देता है। सालों ये इतने पैसे हैं, इतने ज्यादा पैसे के बियार बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। इसकी आर्मी वर्ल्ड की वन ऑफ द पावरफुल आर्मी है। आर्मी से याद आया कि मैंने वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्मीज पे भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखी हुई है, तो आप बाद में भी चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, बाद में चेकआउट करोगे तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि इस काउंटडाउन लिस्ट में टॉप 1 पे कौन सा आता है और वो भी देख लोगे। दूसरे नंबर पे आता है रशिया। दोस्तों, रशिया कंट्री अपने डिफेंस पे 64 बिलियन US डॉलर्स स्पेंड करता है। दोस्तों, रशिया वर्ल्ड वाइड फेमस भी है अपने टेक्नोलॉजी, जीडीपी, सैटेलाइट्स की चीजों की वजह से। वैसे एक और चीज के बारे में भी मशहूर है,
लकड़िया सालो लकड़िया, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है यूएस। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स आज दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसमें यूएस के सारे 50 स्टेट्स और फेडरल भी आता है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावरफुल कंट्री बन गया और आगे ही बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी हो, स्टडीज हो या और कुछ चीजों में, सब में आगे ही चलता जा रहा है। तो दोस्तों आप सबको कैसे लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।